नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 और मैं हूं जिला सीतामढ़ी रिपोर्टर दीपक पटेल। सीतामढ़ी जिला से 8 किलोमीटर दूर पुष्पा पटनिया से आ रही है सनसनी खबर, जिसे सुन करके आपके रूहे कांप उठेंगे। 72 घंटे बीतने के बाद में मनीष कुमार का हुआ सब बरामद। गाँव वाले का कहना है कि मनीष कुमार किसी और आदमी के मृत्यु हो जाने के बाद में उसके दाह संस्कार के बाद ये नदी में छलांग लगाया, मगर मनीष कुमार वापस नहीं आ पाए। घटना की सूचना मिलते ही जन अधिकार की पार्टी जिला महिला अध्यक्ष सरिता देवी मौके पर मनीष कुमार के घर पहुंची। उन्होंने मनीष कुमार की मौत पर ढेर सारा शोक प्रकट किया, उन्होंने तसल्ली दिलाया और यहां तक कि 1100 नगद और 50 किलो चावल भी मुआवजा उन्होंने अपने तरफ से प्रदान की। उन्होंने आगे भी सीओ को फोन लगा करके उनके लिए मुआवजा दिलाने का संकल्प लिया। आइए दिखाते हैं ये तस्वीरें। दाह संस्कार में मजिल के लिए ग्रामीण लोग आए थे जी। दाह संस्कार के पश्चात जी ग्रामीणों के समूह में जी ये लड़का भी जी नदी में स्नान करने के लिए जी छलांग लगाया जी, जिसके इसके साथ साथ 10 से 12 संख्या में अन्य लोग भी जी छलांग लगाया था जी। और पानी के बेभ में जी लोगों को अंदाजा नहीं लगा जी, और ये पानी के बेभ में फंस गया जी, जिससे ये डूब गया। अच्छा। डूबने के बाद तकरीबन 72 घंटा के बाद जी ये लाश जो है सो बरामद हुई है जी। और ये लड़का का नाम मनीष कुमार था जी, पिता का नाम उमेश यादव जी, ग्राम पोसुआ जी, और 21 वर्ष का उम्र है इसका जी, और मोटरसाइकिल मैकेनिक का जी प्रशिक्षण प्राप्त किया था जी जी, और मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम ही करता था जी। इनका आपके माध्यम से क्या उद्देश्य है इनका? क्या उद्देश्य है, जो ये घटित होना था वो घट गई जी। अब सरकार से जो आपदा प्रबंधन विभाग से जो इसका मुआवजा है जी वो मृतक परिवार, उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ सरकार से मुआवजा मंगवाने की अब लोगों की मांग करते हैं। और कोई सीओ भी नहीं आया है? सीओ कल आया थे, सीओ क्या माने फाइनल किए कि इनके परिवार को मुआवजा मिलनी चाहिए? नहीं, तो ये जब तक नहीं लास्ट है ना, लास्ट नहीं मिला, सुबह में लास्ट मिली है ना, तो अभी तक सीओ कहाँ नहीं पहुँचे? आ रहे हैं, बोले कि आ रहे हैं। पप्पू यादव से है और इनको हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि इनका परिवार, इनका बेटा ही था, इनके परिवार के भरण पोषण करते थे क्या पढ़ाई लिखाई, आज माने ये नदी के कारण इसके सुरक्षा के न कारण आज बढ़ गई जी, जी। क्या यही इस नदी के बारे में सोच नहीं रही है, तरह तरह की घटनाएं हो रही है। उनको जो सहयोग मिलने वाला आप कृपा करके आप यहाँ पर आइए और उनको दबाइए जी 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 जी। आपके बारे में पता चली आप थे, लेकिन आज सुबह में मिली है, और सर आप आ जाते तो बेहतर थी। अच्छा सर, ये लास्ट तो बहुत ज्यादा, हाँ हाँ वो तो थोड़ा करना, ये तो खुद ही।